दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पर ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो में हम IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था सितंबर 2022 में, 3 सितंबर को हुआ था शिफ्ट 1 में, इसका हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। पूरा रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस है इस पेपर्स में आए थे वो हम कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट आपको बने रहना मेरे साथ, देखते रहिए। थोड़ा लंबा जरूर जाएगा वीडियो, लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करके ही उठेंगे, क्योंकि अभी आपको पता कि इसका IBPS कलर का फिर से एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसलिए हमें उसके लिए प्रेपरेशन अभी से करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करें। देखते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर सीरीज, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 15, 23, 30, 36, 41 एंड साथ में दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देख लेंगे कितनों का है। आप देख सकते हो इसमें 15 प्लस कितना होता है, 8, 23 होता है, 23 प्लस 7 तो 30 प्लस 6 हो जाएगा 36। और देख सकते हो सीरीज बनना स्टार्ट हो गया, 8, 7, 6 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 41 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 45 इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता। देख सकते हो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए हम नंबर सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले 8, 22, 42 एंड यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो दोस्तों कुछ खास स्पीड से नहीं बढ़ रहा। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देता हूँ तो 8 × 16 समथिंग, 22 × 2, तो इसको 2 से करता हूँ, इसको भी 2 से कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर 2 से कर रहा हूँ तो ये 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई का तो नहीं हो सकता। चलिए इसको भी हम सेम डिफरेंस देख लेते हैं इनका आपस में, 8 और 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 22 और 50 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 50 और 92 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42 हो जाएगा, और 92 और इसके बीच में 148 में कितना हो जाएगा, 56, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो ये आपको, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये 14, 28, 42 आया है, ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, एक तरह से 14 का टेबल आ गया। देख सकते हो 14 × 2 = 28, ठीक है। इनका आपस में अगर डिफरेंस भी लिखोगे तो 28 + 14 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 + 14 कितना आ जाएगा, 53, तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा हमारा, तो 6, 4, 10 हो जाएगा, 5, 6 और 7 70 आ जाएगा यहाँ पे, और 70 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7, 4, 11 हो जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा, 1 का 2 आ जाएगा, तो 218 इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। देखा आपने, ये भी बहुत सिंपल था।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट शुड कम इन प्लेस, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या 444 क्वेश्चन मार्क, उसका 103, 513। हम इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे मेरे को इजी लगता है कि मैं इसको यहाँ पे 4 लिख लूँ, उल्टा लिख लूँ। मतलब बात तो एक ही है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग इधर से करना, कम से ज़्यादा की तरफ करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको उल्टा लिख लेता हूँ। 103 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और लास्ट में 444 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हो, अगर मैं 4 3 12 करता हूँ, 12 3 कितना होता है, 36 होता है, 39 3 अगर 39 को 3 के साथ करता हूँ, 9 3 27 3 3 9 11, तो ये बढ़ जाता है। तो ये भी बढ़ तो रहा है मल्टीप्लाई की स्पीड से अगर देखा जाए, लेकिन मल्टीप्लाई में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे तो 3 3 से सही था, लेकिन यहाँ पे 3 से अगर मैं कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो ये इससे ज़्यादा हो जा रहा है, 103 से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी डिफरेंस वाले फार्मूले से निकालूँगा। 4 और 8 12 का डिफरेंस कितना होता है, 8, 12 और इसका कितना हो गया 27, और यहाँ पे कितना हो गया 13 में से 9 4 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, 9 से 3 कितने 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे तो हमें नहीं पता अभी। तो अगर आप इनको ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें, सीरीज़ में 8 आया, फिर 27 आया, फिर यहाँ पे 64 आ गया। तो ये अगर देखा जाए तो ये भाई किसका है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे जो आएगा वो 5 का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 6 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है, 125। 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, अभी इसमें 125 को ऐड कर देंगे 103 में, 103 में अगर 125 को ऐड करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, 8 5 और 3 8 होता है, 8 आ जाएगा, 2 तो इधर है ही, 1 और 1 2, तो 228। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 228 आ जाता है। तो देखा, ये भी आपने सिंपल था, पहले आपको देखना जस्ट आपका जो स्टार्टिंग है वो सही से होनी चाहिए, आपको यहाँ पे प्लस करना या फिर मतलब आपस में डिफरेंस देखना है, या आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज का है, चलिए नंबर सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पे 10 है, 35 है, 135 है, 360 है, 760 है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इस सीरीज में अगर मैं देखूं, मल्टीप्लाई करके देखूं, तो पहले जैसे बढ़ रहा है ये स्पीड से, तो मल्टीप्लाई करके देखूं तो 10 3 30 हो जाएगा, और 35 3 कितना हो जाएगा, 5 6 15, 9 10, ठीक है, ये भी कुछ जायज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 13 3 कितना हो जाता है, 39 होता है, 13 को अगर 3 के साथ करता हूँ 39, यहाँ पे 36 है, तो ये बढ़ जाता है। तो ये मल्टीप्लाई वाला में पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर वही डिफरेंस वाला करेंगे, इनमें आपस में डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 25 आ गया इसका, इसका कितना आ गया, 100 आ गया, इसका कितना आ गया, 5 2 225, और इनका कितना आ गया यहाँ पे, 400, और इनका हमें यहाँ पे पता करना है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 25 से ये 100 है, ठीक है, ये किसका हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर है, तो ये कितने का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए, क्योंकि 5 5 बढ़ रहे हैं, और ये 20 का है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25 का होना चाहिए, 25 का कितना होता है, 625 होता है, 625 760 में अगर 625 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 8 और 7 से 13 13 85 इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज़ का है यहाँ पे, तो नंबर सीरीज़ क्या है इसमें,
4 है, उसके बाद 10 है, फिर 22 है, उसके बाद 46 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 190 है। ठीक है, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके देते हैं, 4 × 8 होता है, ठीक है, 2 कम रह गया, 10 × 20 होता है, यहाँ पे भी 2 कम रह गया, 22 × 44 होता है, 44 होता है, यहाँ पे भी 2 कम हो गया। तो ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा हमारा सीरीज मल्टी, इसको मल्टीप्लाई 4 × 2 + 2 = कितना 10, और अगर मैं यहाँ पे 10 के लिए देखूँ 10 × 2 + 2 = 22, ये आ गया, इसको ऐसे किया तो यहाँ पे भी 22 × 2 + 2 कितना 46 आ जाएगा, और 46 × 2 + 2 ये कितना आ जाएगा, 6 × 12 = 8 = 9 प्लस 2 कितना आ जाता है 94, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये नंबर सीरीज तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अभी चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 जनरेशंस ऑफ पीपल्स लाइव टुगेदर, देर आर 12 मेंबर्स इन द फैमिली, MNOPQRSTUVWX, वो वेंट आउट फॉर ए पिकनिक। तो 12 मेंबर्स की यहाँ पे 3 जनरेशंस हैं और 12 मेंबर्स हैं इन फैमिली में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक स्टेप करके पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे इसको लिखते रहेंगे। जैसे कि ये बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, R&Q किड्स ऑफ T&S, टी और एस के यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो टी और एस के R&Q ना, दो लाइनें खींच लेते हैं, R&Q, ये क्या है, बच्चे हैं इनके, अभी इनमें कौन लड़का है कौन लड़की है या दोनों लड़के दोनों लड़की हमें नहीं पता, ये हस्बैंड वाइफ है इतना पता चल गया, इसमें से हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है हमें नहीं पता, ठीक। नेक्स्ट लाइन है, वी वो इज़ द फादर ऑफ, डब्ल्यू इज़ द पेरेंट अंकल ऑफ आर, तो अंकल है आर का, चलिए एक बार पहले इधर लिख लेते हैं, वी वो इज़ द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, वी क्या है फादर है, फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ मतलब उसके जो बच्चे का फादर इन लॉ मतलब ससुर हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, उनका फादर है, मतलब इसका एक्चुअली फादर नहीं इसका फादर, ठीक है। वी वो इज़ द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू इज़ द पेरेंटल अंकल ऑफ आर, ये अंकल आर का अंकल भी है, पेरेंटल अंकल है मतलब इसका जो यहाँ पे इसके जो आर इधर आ जाएगा, आर के जो पापा है उसका जो भाई है, ठीक है, पेरेंटल अंकल तो उसी को बोलते हैं जो पापा का भाई रहता है, ठीक है। तो आर इधर आ गया हमारा, अभी देख सकते हो आर इधर भी आर इधर भी, इन दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी सीरीज को लेके चलूं तो यहाँ पे मैं आर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, आर के ऊपर यहाँ पे ब्लैंक और ये वी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी के नीचे भी ब्लैंक है, इसके इधर डब्ल्यू है, आर के साथ में यहाँ पे क्या है क्यू है, और आर के ऊपर कौन है टी एंड एस, तो टी एंड एस में से यहाँ पे कोई आ जाएगा, ठीक है, तो टी एंड एस हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैक इसके बाहर ब्रैकेट, मतलब दोनों में से एक तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी जैसे हमें पता चल जाएगा इनमें से फादर कौन है उसको हम यहाँ पे बिठा देंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, पी इज द हस्बैंड ऑफ ओ, तो पी है जो ओ का हस्बैंड है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, पी इज द हस्बैंड ऑफ ओ, ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू, जो ओ है वो क्यू की डॉटर है, पी हस्बैंड है ओ डॉटर है, तो ओ के ऊपर माइनस का पी के ऊपर प्लस का लगा देते हैं, और क्यू तो हमारा ऐसे हो गया, देख सकते हो क्यू हमारे पास इधर भी है, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेते हैं, क्यू के नीचे ओ लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा इधर पी इसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ हो जाएगी, ये इसकी डॉटर है क्यू की, ठीक है। ओ इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, एम इज़ द ब्रदर ऑफ एन,
जो M है वो N का ब्रदर है। देख सकते हो यहाँ पे M N कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे M इज़ द ब्रदर, ब्रदर है तो प्लस किसका, N का, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। M इज़ द R इज मैरिड टू U, जो R है वो मैरिड टू U है, तो U कहीं पे है, नहीं है, R है, R इज मैरिड टू U, तो यहाँ पे U लिख लेते हैं। उसके बाद है आर इज मैरिड टू यू, फादर ऑफ एन इज यू, जो एन का फादर है वो कौन है, यू, एन फादर है तो ये मदर हो जाएगी, और फादर ऑफ एन इज यू ना, तो एन इधर आ जाएगा, एन का ब्रदर कौन है, एम है, ठीक है। फादर ऑफ एन इज यू, वो इज द ओनली डॉटर, ओनली वो हैज ओनली वन डॉटर, फादर ऑफ एन इज यू, एन का यू फादर है, वू हैव ओनली वन डॉटर, फादर ऑफ एन इज यू, यू के सिर्फ एक ही डॉटर है, तो यू यहाँ पे उसके सिर्फ एक ही डॉटर है, तो डॉटर तो ये हो जाएगी फिर, ठीक है। फादर ऑफ एन इज यू, वू हैज ओनली वन डॉटर, और इन्होंने M इज़ द ब्रदर ऑफ N, M ब्रदर है, N डॉटर होगी, U की होगी, ठीक है। और उसके बाद वो है जो S इज़ द फादर इन लॉ ऑफ U, जो S है वो U का फादर इन लॉ है। अब देख सकते हो यहाँ पे U इधर है, S इधर है, ठीक है, S फादर इन लॉ हो जाएगा, तो S कहाँ जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि जैसे इनका लिंक पता चल जाएगा हम डाल देंगे, U का ससुर है मतलब फादर इन लॉ तो ससुर होता है, तो U इसकी, ये U की वाइफ R होगी, R का फादर हो गया S यहाँ पे, ठीक है, S अंदर डाल देते हैं, ये T यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये मदर हो जाएगी, ये फादर हो जाएगा, ओके। फादर ऑफ एन इज यू, इज एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ एक्स, जो डब्ल्यू है वो एक्स की वाइफ है, डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ एक्स, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये वाइफ है, तो ये प्लस हो जाएगा फिर। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कितने मेंबर्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो टोटल इस फैमिली में 12 मेंबर थे, 12 के 12 मेंबर्स हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली बैठ चुके हैं, और थ्री जनरेशन बोला था इन्होंने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जनरेशन्स भी होगी, और यहाँ पे हमारे पास इन सब का एक दो को छोड़ के इनका सबका लिंक भी आ गया हमारे पास, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल, मेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल मेल, क्यों का नहीं आया हमारे पास, और बस एक ही सी क्यू का हमारे पास यहाँ पे लिंक नहीं है, बाकी सब का हमारे पास आ चुका। तो देखा आपने, सिंपल था, जैसे जैसे हमें मिलता गया हमने उसका पेयर्स बनाते रहे, पहले हमें ये मिला, फिर हमें ये मिल गया, फिर हमें ये मिल गया, ये मिल गया, फिर क्या करना होता है, इनमें देखना होता है आपस में लिंक कहाँ पे हो रहा है, इसमें अगर क्यू है तो इसमें कहीं पे क्यू है, तो इधर क्यू मिल गया हमें, तो इन दोनों को लिंक कर दिया, इसमें आर है, इधर हमें आर मिल गया, इन आर आर को लिंक कर दिया, तो ऐसे सिंपल होता है दोस्तों, जस्ट आपको पहले बना लेना फिर लिंक कर देना है। तो इसके एक बार हम क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फाइव आर लाइक इन ए सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो जहाँ पे पांच हमारे पास मेंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से जो चार है वो कुछ ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, चलिए चारों को पढ़ते हैं, और कौन से, पहला क्यू है, क्यू इधर आ गया, ठीक है, उसके बाद पी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है। तो अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये चार मेंबर इधर नीचे के हैं और एक ऊपर का है, तो ये एक जनरेशन होगी पूरी, इन्होंने ग्रुप बना लिया, तो ऑड कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, जो डब्ल्यू है वो टी से कैसे रिलेट करता है, अगर टी को डब्ल्यू को कुछ कह के बुलाना तो क्या कह के बुलाएगा। तो देख सकते हो टी इधर है, ये थर्ड जनरेशन में, ये सेकंड जनरेशन में, तो ये लेडीज है, तो इसको
इसके बेटा जो बेटी वाले रहेंगे ये वाले जो इस सेक्शन में रहेंगे तो ये क्या हो जाएगी इसके डॉटर इन लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके भाई की ये जो टी है इसका जो हस्बैंड है हस्बैंड के भाई की मतलब भाई की बहू है तो डॉटर इन लॉ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डॉटर तो नहीं है, अगर इधर ये आर के आर रहता तो ये डॉटर हो जाती इसकी, लेकिन ये तो आगे रिलेशन में है लेकिन तो ये डॉटर इन लॉ हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज एन रिलेटेड टू एस, जो एन है वो एस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। तो अगर एस है एस को एन को कुछ कह के बुलाना तो क्या कह के बुलाएगा, एस इधर है एस के बेटा बहू इधर है उसके आगे बच्चे हैं एन, एन क्या है उसकी पोती तो एस की पोती होगी एन तो क्या बोलेगा ग्रैंड डॉटर बोल सकता है उसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ग्रैंड डॉटर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ जाता है इफ़ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड सेवन्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ ए वर्ड। वर्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास, वर्ड लिख लेते हैं पहले आर्किटेक्ट। ठीक है, और इसके वर्ड्स कौन कौन से बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड सेवन्थ एंड एट्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट, मतलब ए आर ई सी। ठीक है, देन विच विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स मार्क एक्स इफ नो सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एम इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं तो देख सकते हो आर है सी है तो आर सी से हम रेस बना सकते हैं, आर ए सी मीनिंगफुल वर्ड है, और कोई वर्ड बना सकते हैं इससे। अगर मैंने आर को पहले ले लिया था अभी सी है दूसरा तो सी को आगे लेता हूँ तो केयर बन जाएगा। दो मीनिंगफुल वर्ड बन गए, इन्होंने बोला अगर एक से ज़्यादा बन रहे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो एम रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एम आ जाता है, बहुत ही सिंपल था ये भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाई टू कंक्लूजन नंबर वन एंड टू, यू हैव टू मेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, डिसरिगार्ड कॉमनली नोन फैक्ट्स गिव आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ना है उसके बाद कंक्लूजन पढ़ना है, उस स्टेटमेंट के आधार पे जो दो कंक्लूजन दिया है उनमें से कौन सा फॉलो कर रहा नहीं कर रहा वो हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फी एन आर जी, जो थोड़े से एन है वो क्या है जी है। तो मैं यहाँ पे दो सर्कल बनाता हूँ, जी का बनाता हूँ एक एन का बनाता हूँ, थोड़ा सा ओवरलैप कर देता हूँ क्योंकि जो थोड़े से एन है वो क्या है जी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं जी आल जी आर टी, जो सारे जी हैं वो क्या है टी है। तो मैं एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ कि जो जी वाला सर्कल उसके अंदर आ जाए ताकि, क्योंकि सभी जी के हैं टी है तो टी का बना देता हूँ, उसके अंदर मैं जी को ले देता हूँ क्योंकि सभी जी के हैं टी है आल जी आर टी। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या आल एन बींग टी इज़ ए पॉसिबिलिटी, जो सारे एन हैं वो टी हो जाएंगे ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इनकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें अब देखते हो टी का सर्कल जो है एन का सर्कल है ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है और इनकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी यही थी कि फी एन सा जी, जो थोड़े से एन है वो जी हैं, जो थोड़े से एन है वो जी हैं, सारे एन जी नहीं है। ठीक है, थोड़े से एन है लेकिन ये कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं आल एन बींग टी इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है सारे हो जाएँ। ठीक है, थोड़े से तो है ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सम टीज आर जी, जो थोड़े से टी हैं वो जी हैं। आप देख सकते हो तो टी का बड़ा सर्कल है, थोड़े से टी और जी का ओवरलैप हो रहा है तो थोड़े से टी हैं वो जी हैं, ये फर्स्ट गलत हो जाता है, जो सेकंड है ये सही हो जाता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो टू नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी सीरीज का है, सीधा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, नो कैप इज स्टूल, जो कोई भी कैप स्टूल नहीं है। तो हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं कैप का और एक सर्कल बनाते हैं स्टूल का, ठीक है। कैप वो स्टूल नहीं है कोई भी। उसके बाद कैप फी स्टूल्स आर टेबल, जो थोड़े से स्टूल है वो टेबल हैं, ठीक है। टेबल का एक सर्कल बनाते हैं, दोनों को आपस में ओवरलैप करते हैं। और कंक्लूजन पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, सम टेबल्स आर नॉट कैप्स, जो थोड़े से टेबल है वो कैप्स नहीं है। तो सही बोल रहा दोस्तों, जो थोड़े से टेबल हैं वो कैप्स नहीं, क्योंकि थोड़े से टेबल क्या हैं, स्टूल है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, इनकी जो थोड़े से टेबल है वो कैप्स नहीं है, ठीक है। अगर मतलब हो सकता है ये हो, लेकिन जो थोड़े से रहेंगे वो तो इसमें एस में आ गए ना, स्टूल में आ गए ना, ठीक है। और नेक्स्ट है आल कैप्स बींग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, जो सारी कैप्स है वो टेबल होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ है दोस्तों पॉसिबिलिटी, क्योंकि कैप्स और टेबल के बीच में इन्होंने हमें कुछ बताया नहीं है, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और ये पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड भी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है इफ़ बोथ द कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, तो यहाँ पे दोनों फॉलो कर रही है, तो आंसर इसका फाइव आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम इसी सीरीज का है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सीधा, ओनली ए फी वॉचेस आर इलेक्ट्रिक, ओनली फी वॉचेस, तो एक हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ओनली फी वॉचेस आर इलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है नो वॉच आर रिंग, कोई भी वॉच रिंग नहीं है। तो वॉच और रिंग का बोला, तो रिंग का सर्कल हम इधर बना लेते हैं, आपस में इनको ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि कोई भी वॉच रिंग नहीं है। ओनली फी वॉच क्या है, इलेक्ट्रिक है, सम इलेक्ट्रिक्स आर रिंग, सॉरी सम इलेक्ट्रिक्स आर रिंग, ठीक है। और कंक्लूजन पढ़ते हैं, इनके कंक्लूजन क्या, सम इलेक्ट्रिक्स आर रिंग, थोड़े से इलेक्ट्रिक्स रिंग है, ये कन्फर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट का रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इधर है, रिंग्स इधर है, आपस में कोई मेल तेल नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि सम इलेक्ट्रिक्स आर रिंग, ये कन्फर्म बता रहे हैं। ये बोलते अगर पॉसिबिलिटी है तो हम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन ये तो कन्फर्म ही बोल रहे हैं। तो ये हमारा जो कंक्लूजन वन है वो गलत हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम इलेक्ट्रिक कैन नेवर बी रिंग, थोड़े से इलेक्ट्रिक रिंग नहीं हो सकते, कभी भी रिंग नहीं हो सकते। हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो थोड़े से इलेक्ट्रिक है वो क्या है, वॉचेस है। तो जो बचे हैं वही रिंग हो सकते हैं, अगर होना है किस मामला है, मतलब थोड़े से तो नहीं हो सकते जो वॉचेस है ना। तो ये हमारा यहाँ पर जो सेकेंड है ये कंक्लूजन सही हो जाता है। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, ओनली फी हेयर्स आर वाइट, तो थोड़े से हेयर्स हैं वो वाइट हैं। तो एक हेयर्स का बना लेते हैं, एक यहाँ पे वाइट्स का बना लेते हैं सर्कल। ओनली फी वाइट्स आर स्काई, जो थोड़े से वाइट्स हैं वो क्या है, स्काई है। तो एक यहाँ पे स्काई का हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला है, ओनली ओनली थोड़ा थोड़ा बोला, तो थोड़ा थोड़ा फी फी करके हमने यहाँ पे ओवरलैप कर दिया उनको। कंक्लूजन वन क्या है हमारे यहाँ पे, ऑल हेयर्स आर स्काई, सारे हेयर स्काई हैं। तो देख सकते हो थोड़े से हेयर तो ये है वाइट है, तो सारे तो स्काई नहीं हो सकते। तो ये कन्फर्म बोले ऑल हेयर्स आर स्काई, तो ये गलत हो जाता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है सम हेयर्स आर नॉट स्काई, तो थोड़े से हेयर स्काई नहीं है। तो देख सकते हो ये जो थोड़े से हेयर है वो तो वाइट है, तो थोड़े से तो सकाई नहीं हो सकते, और बाकी हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि ये जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और आल हेयर सर सकाई, तो आल हेयर और सकाई का भी इन्होंने बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया, और हेयर और वाइट का बताया, वाइट और स्काई का बताया। तो आल हेयर्स का भी इन्होंने नहीं, अगर ये हेयर वाला से मैं उठा के इधर डाल सकता हूँ, तो ये भी मतलब नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं, जो फर्स्ट भी है इनकी, तो गलती भी हो सकती है सही भी हो सकती है ये स्टेटमेंट। और सेकंड में भी सेम है, गलती भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि दोनों में से एक सही होगी,
ठीक है, या तो ऑल हेयर स्काई होंगे या फिर स्काई नहीं होंगे, सम हेयर आर नॉट स्काई, तो या तो ये सही होगी या फिर ये सही होगी। तो दोनों इसका आंसर आया था इधर वन और टू कंक्लूजन फॉलो। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, स्टेटमेंट्स है उसमें, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, ऑल डोर्स आर वॉल्स, जो सारी डोर्स है वो क्या है, वॉल है। तो चलिए सर्कल बना लेते हैं कि ऑल डोर्स क्या हैं, वॉल्स हैं, और ओनली फी फ्लोर्स आर वॉल्स, जो थोड़े से फ्लोर हैं वो वॉल्स हैं। तो फ्लोर का एक सर्कल बना लेते हैं। कल स्टेटमेंट हो गए हमारी दोनों, हमने ओवरलैप कर लिया, जैसे ये फी बोल रहे तो थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया, इसमें ऑल डोर्स बोला है तो ऑल डोर्स को हमने बाल का ऐसे सर्कल बनाया कि बाल के सर्कल के अंदर ही डोर का सर्कल आ गया है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ऑल जो कंक्लूजन वन है इनकी, ऑल फ्लोर बीइंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी, सारे फ्लोर डोर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो भाई नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो थोड़े से फ्लोर है वो क्या है, वॉल है, तो सारे के सारे डोर नहीं हो सकते, तो ये हमारा गलत हो जाता है। और नेक्स्ट है नो डोर इज ए फ्लोर, कोई भी डोर फ्लोर नहीं है, तो ये भी कैसे बता सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो डोर है वो सभी बाल्स हैं, और जो बाल्स है वो फ्लोर के साथ ओवरलैप हो रहा था, हो सकता है ये फ्लोर वाला सर्कल हम इधर बनाते तो डोर के साथ भी ओवरलैप हो जाता, तो ये लेकिन यहाँ पे ये कन्फर्म बोल रहे हैं नो डोर इज ए फ्लोर, तो ये बोलना भी इनका गलत है, आप कन्फर्म नहीं बोल सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकी गलत हो जाती है। तो इस कंक्लूजन, इसका जो आंसर आ जाता है नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या, स्टडी द फॉलोइंग न्यूमेरिक सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, एक सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पे नंबरों की, उनको पढ़ के हमें क्वेश्चनों के आंसर्स देने। तो चलिए एक बार सीक्वेंस लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हमारे यहाँ पे 4 3 1 5 7 8 3 1 6 2 9 7 1 2 1 3 5 2 6 और 2 6 हो गया 8 6 5 4 3 2 1। मैं यहाँ पे ये 4 से यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 3 2 1 3 8 7, ये मैंने 4 से इधर लिख लिया, इसकी इधर कट कर देता हूँ, स्पेस कम पड़ रही थी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमिडिएटली प्रसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर के बाद में आते हैं वो ऑड नंबर चाहिए हमें। तो परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया, ऑड नंबर ये हो गया, एक हो गया, उसके बाद वन को भी हम परफेक्ट स्क्वायर में ही काउंट करेंगे, ठीक है। वन का स्क्वायर वन होता है, वन का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वन स्क्वायर तो वन होता है, तो ये भी तो स्क्वायर हो गया, तो वन के बाद एक ये हो गया, पाँच हो गया, दो हो गए, तो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर देख सकते हो, ये वन हो गया, लेकिन ये इवन नंबर है, हमें क्या ऑड नंबर देखने होंगे। तो दो हो चुके हमारे अब तक, और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये वन आ गया, फिर यहाँ पे इवन नंबर है तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये वन है इसके बाद ऑड नंबर है तो ये तीन हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे चलते हैं तो ये फोर देख सकते हो, ये भी फोर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है दो का, तो उसके बाद ऑड नंबर है तो ये यहाँ पे चार हो गए हैं, और उसके बाद ये वन है, वन वन भी परफेक्ट स्क्वायर है, वन के बाद थ्री है, तो ये यहाँ पे कितने पाँच हो गए, तो पाँच ही टोटल इसमें से बन रहे हैं। और इन्होंने जो ऑप्शंस दी हुई है हमारे पास 1 2 3 4 मोर देन 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है मोर देन 4, ठीक है, क्योंकि चार से ज़्यादा, टोटल कितने पाँच है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेवंथ टू द राइट ऑफ टेंथ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से अगर इधर से स्टार्ट किया जाए तो दसवें नंबर से राइट में सातवां नंबर, ठीक है, सेवन टू द राइट ऑफ टेंथ, तो इधर से दस आगे और सात और आगे, तो मतलब टोटल सत्तरवां नंबर, सतारवां नंबर जो 17 नंबर है वो हमें देखना है यहाँ पे, तो ऐसे ही काउंट कर लेते हैं,
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह सत्रह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइव आ जाता है, क्योंकि जो सत्तरवां नंबर है वो फाइव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड, अगर सभी इवंस नंबर को हटा दिए, चलिए हटा लेते हैं एक बार, इवन नंबर हटा दिया तो बचा यहाँ पे तीन, एक पाँच सात तीन एक नौ सात एक एक तीन पाँच, और यहाँ से पाँच आ जाएगा तीन एक तीन सात। तो ये ओनली ऑड नंबर बचे हमारे पास। ये बोला इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड विच नंबर विल बी द नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्टींथ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पंद्रहवा नंबर लेफ्ट से इधर आ जाएंगे, ये पंद्रहवा नंबर यहाँ कहीं आ जाएगा, उससे विच विल बी द नाइन्थ टू द लेफ्ट, इस वाले से नाइन्थ नंबर पे जो लेफ्ट में है। ठीक है, ये पंद्रहवा नंबर देखना उससे नाइन्थ नंबर। तो हम सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, फिफ्टीन माइनस नाइन सिक्स, अगर हम यहाँ पे सिक्स नंबर देख ले वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे यहाँ पे हमारे पास वन आ रहा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो वन आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप काउंट भी करोगे और सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, आप काउंट करोगे कहीं पंद्रह की जगह पे सोलहवें नंबर, वहाँ से ऐसे वापस आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए परफेक्ट क्यूब, जो क्यूब के बाद, क्यूब के बाद है ऑड नंबर, एंड फॉलोड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर, और फॉलो किसको कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर को। ये हमें पता करने हैं ऑड नंबर जो क्यूब के बाद है स्क्वायर से पहले हैं कितने हैं। ठीक है, अभी हमें बेसिकली क्यूब ढूंढते हैं पहले इसमें से, ये क्यूब नहीं, ये नहीं, ये हो सकती है वन का क्यूब, वन ही होता है, परफेक्ट क्यूब हो सकती है, वन के बाद ऑड नंबर भी है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ हमारा। और ढूंढते, आप देखते आठ है वो क्यूब है दो का, दो के बाद यहाँ पे ऑड नंबर है और ये स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर है वन का, तो एक मिल गया हमें यहाँ पे, ये एक तो मिल गया। अभी आगे देख लेते हैं, और ये वन, वन भी तो परफेक्ट क्यूब है और फिर उसका स्क्वायर नहीं आ रहा एक छोड़ के, और ऑड नंबर भी नहीं है, और नाइन यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, सॉरी नाइन परफेक्ट क्यूब नहीं है, नाइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, वन आगे वन परफेक्ट क्यूब है और ये वन परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन उनके बीच में ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर चाहिए इवन नंबर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये परफेक्ट क्यूब है और इसके बाद ये नहीं है, ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक छोड़ के, और उसके बाद परफेक्ट क्यूब आ देख से, तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है आठ लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक छोड़ के, और इसमें देखो तो यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बेसिकली एक ही मिला हमें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है वन। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। तो क्वेश्चन का यहाँ पे एट पीपल्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल है उसके अराउंड में बैठे हैं, चलिए एक टेबल बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा एक स्क्वायर टेबल हो गया, इसके अराउंड में आठ लोग ये बैठे हैं। ठीक है, इन सच ए वे दैट फोर ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल वेल फोर एट द मिडल ऑफ द ईच ऑफ द फोर साइड, चार मिडल में बैठे हैं, चार कॉर्नर्स पे बैठे हैं। ठीक है, पीपल वो आर सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका जो फेस है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ फेस है इनका, ये जो कॉर्नर पे बैठे हैं, एंड वाइल द पीपल सिटिंग इन द मिडल आर फेसिंग आउटसाइड, जो मिडल में बैठे हैं उनका जो फेस है वो आउटसाइड में है। ठीक है, हमने यहाँ पे एरो बना लिया, मिडल वालों का फेस आउटसाइड कर दिया, जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनका जो फेस है वो इन अंदर की तरफ कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यू इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू,
तो यू है वो सेकंड तो लेफ्ट बैठे है डब्ल्यू के, तो हमें अभी यहाँ पे नहीं बैठा सकते, इस लाइन को अभी हमें होल्ड करना होगा। नेक्स्ट लाइन है एस सी सिटिंग सेकंड उधर राइट ऑफ पी, ये भी अभी हमें होल्ड करना होगा क्योंकि यहाँ पे अंदर और बाहर की तरफ फेस करके बैठे है। अभी हमें नहीं पता कि पी अंदर की तरफ करके बैठा या बाहर की तरफ करके बैठा, नहीं तो हम यहाँ पे कहीं पे भी बिठा देते हैं इन दोनों को, और जू को भी बैठा देते हैं लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो इसको भी बैठा देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि जू का फेस अंदर का है, अगर जू को हमने यहाँ पे बैठा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ते रहना ना, जहाँ पे हमें फेस पता चल जाएगी वहाँ से हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। थर्ड लाइन है टी वो इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड, देखो यहाँ से हमारे पास टी का पता चल गया कि जो टी है वो इनसाइड फेस नहीं करके बैठा, तो जाहिर सी बात है जो टी है वो आउटसाइड फेस करके बैठा होगा, अगर वो इनसाइड नहीं करके बैठा तो आउटसाइड करके बैठा होगा, इसलिए हम यहाँ पे ये आउटसाइड वाला कोई भी एक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये टी को ले लिया, टी इज वो इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट हैंड साइड में थर्ड पे। तो अगर आप यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ये बंदा देखो, इसका जो राइट होगा वो इधर आ जाएगा, और यहाँ से इस साइड को थर्ड देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा, इसका जो राइट है ये हो जाएगा, तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आर के राइट हैंड साइड में थर्ड में टी बैठा है, आर का फेस अंदर है, इसकी राइट साइड इधर होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट है वो इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड जू, जो आर है वो वी और यू का इमीडिएट पड़ोसी है, आर इधर है, या तो वी यहाँ पे होगा या फिर यू यहाँ पे होगा या फिर वी यहाँ पे होगा यू यहाँ पे होगा। मैंने ये अंदर इसलिए लिख लिया कि जो कन्फर्म है वो हम बाहर लिखेंगे, बाकी जो हमें ऐसे कन्फ्यूजन उनको हम अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये दोनों पोजीशंस फिक्स होगी, यहाँ पे या तो वी आएगा या यू आएगा यहाँ, और यहाँ पे अगर यहाँ पे यू आ गया तो वी यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे करके ये पोजीशंस फिक्स होगी हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट यू इज़ द वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, अगर यू यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, अगर यू यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, लिख लेते हैं फिर भी, चलो छोटा सा लिख लेते हैं अंदर में, क्यू या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं, यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जो यू है वो डब्ल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है, देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं अगर मेरे को यू ये लेना है तो मेरे को डब्ल्यू ये लेना पड़ेगा, तभी तो इसके लेफ्ट में ये आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ पे तो ओनली वी और यू आ सकता है, ठीक है, तो ये यू तो पॉसिबल नहीं है, तो ओनली एक ये यू बचता है, ठीक है, ये यू यहाँ पे आ जाएगा, और डब्ल्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, यू, तो डब्ल्यू का फेस उधर है, उसका लेफ्ट इधर हो गया, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे यू आ गया, और ये यू कन्फर्म हो गया तो ये वी कन्फर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो एक दो तीन, ये सॉरी मैंने अंदर लिख दिया, इसको हम बाहर लिखेंगे, चार, एक दो तीन चार पाँच मेंबर कन्फर्म हो गए, तीन मेंबर अभी बचे हैं, तो इन तीन मेंबर्स को बैठाने के लिए हमारे पास एक लाइन है, यू इज़ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, जो जू है वो क्यू का पड़ोसी है, तो यू के बगल में तो एक ही लाइन एक ही जगह खाली बसती है, तो क्यू के लिए बस यही एक जगह बसती है, तो ये भी हमने जो अंदर दो क्यू लगाए थे ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है। लास्ट लाइन है टू पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में दो लोग है, यू इधर है, अगर ऊपर की तरफ देखें तो एक दो छोड़ के पी यहाँ पर आना चाहिए, और अगर इधर की तरफ देखें तो एक दो छोड़ के पी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो सेकंड लाइन थी जो हमने छोड़ी थी उसमें क्या था, एस इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जो एस है वो पी के दूसरे नंबर पे राइट हैंड साइड में बैठा है, दो ही खाली बचे हैं यहाँ पे, पी या तो यहाँ पे आएगा, अगर पी में यहाँ पे बैठाता हूँ तो एस को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे क्यों बैठा ऑलरेडी, तो पी हमारा यहाँ पे ये वाला फाइनल हो जाता, उसके राइट हैंड साइड में दो नंबर पे कौन बैठा, सेकंड नंबर पे एस बैठा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा, ये यहाँ पे सिटिंग्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए अभी क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, वो इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू यू, यू के अपोजिट में कौन बैठा है, यू कहाँ इधर है, उसके अपोजिट में कौन बैठा है, टी बैठा है, इस क्वेश्चन का आंसर टी आ जाता है। वो अमंग द फॉलोइंग आर फेसिंग इनसाइड, कुछ इन्होंने पेयर्स दिए हैं, इनमें से इनसाइड फेस करके कौन बैठा है, पहला पेयर है पी वी आर यू, पी वी बी तो इनसाइड नहीं है जो तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू पी आर टी, डब्ल्यू पी डब्ल्यू आउटसाइड हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट है टी डब्ल्यू यू बी, इसमें भी डब्ल्यू ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी देख सकते हो ये सबके सब इंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, एस क्यू आर पी सही आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी, बी के राइट साइड में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है। बी का फेस देख सकते हो, इस साइड उसका राइट साइड इस साइड हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन बैठा है, यहाँ पे क्यू बैठा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यू आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू, क्यू के पड़ोसी कौन है। क्यू के पड़ोसी देख सकते हो, एक तो डब्ल्यू एक यू है, तो इसका आंसर आ जाता है डब्ल्यू एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, डब्ल्यू इधर है उसका फेस इधर है, उसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा, इसका आंसर आ जाता है क्यू। ठीक है, आपने देखा सिंपल था ये भी क्वेश्चन, हमने आसानी से इसको कर दिया, जस्ट सिस्टमेटिकल ढंग से अगर कोई काम किया जाए तो वो आसानी से हो जाता है, अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया गया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का, यहाँ पे सेवन पर्सन्स आर वर्किंग इन द सेम कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, द पर्सन वर्किंग ऑन द डेजिग्नेशन आर नेम्ड पी क्यू आर एस टी यू एंड बी बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, दे हैव द डिफरेंट डेजिग्नेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लर्क, ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर असिस्टेंट, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर, डायरेक्टर इज द टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द कंपनी एंड द क्लर्क इज द लोअर मोस्ट पोस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका पहले पोस्ट लिख लेते हैं हम, जो डायरेक्टर है वो हायर मोस्ट पोस्ट है, ठीक है, यहाँ से नीचे से चलते हैं, क्लर्क शॉर्ट्स में लिख लेंगे, क्लर्क सबसे नीचे की पोस्ट है, क्लर्क के बाद क्या है, ऑफिसर, ऑफिसर हो गया, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर AM, उसके बाद फिर मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, और उसके बाद जनरल मैनेजर GM है, उसके बाद क्या, डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या है, टॉप मोस्ट पोस्ट है। ठीक है, ये हमने इनको पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी ये मेंबर्स बिठाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मेंबर्स बिठा देंगे इनकी पोस्ट के हिसाब से, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ओनली फोर पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में चार लोग हैं, तो अभी हम या तो यहाँ बैठा दे, तो एक दो तीन चार एक यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, इस लाइन को अभी हम होल्ड कर लेते हैं। पी इज़ नॉट वर्किंग एट द पोजिशन ऑफ द ऑफिसर नॉर एज ए क्लर्क, पी है वो नीचे नहीं है, ऑफिसर और क्लर्क की पोजिशन पर नहीं है, तो देख सकते हो अगर एक दो तीन चार लोग बिठाने हैं तो एक इधर बैठेगा, और चलिए ये भी इस लाइन को भी अभी हम होल्ड पे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, देयर आर टू डेजिग्नेशन बिटवीन आर एंड एस, आर इज़ द सीनियर टू एस, आर इज़ द जनरल मैनेजर और डायरेक्टर, जो आर है वो जनरल मैनेजर है और डायरेक्टर है, तो आर या तो डायरेक्टर है या फिर जनरल मैनेजर, तो हम यहाँ पर आर को दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, या तो आर क्या है, डी है, डायरेक्टर है, और या फिर जनरल मैनेजर है। ठीक है, और इससे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं, देयर आर टू डेजिग्नेशन बिटवीन आर एंड एस, और अगर आर ये है तो एस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर आर ये है तो एक दो एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आर जो सीनियर है तो सीनियर तो हमने ऊपर डाल ही दिया, और नेक्स्ट है मोर देन टू डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन टी एंड यू, यू इज़ वर्किंग एज ए डेजिग्नेशन ऑफ क्लर्क इन द कंपनी, तो यू की क्या है, क्लर्क है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, हमें बता दिया। अभी ये बोल रहे हैं मोर देन टू डेजिग्नेशन आर देयर, टी और यू के बीच में दो से ज़्यादा है, तो दो से ज़्यादा मतलब तीन हो सकती है बीच में, तो जो टी है वो यहाँ पे या यहाँ पे, इन चारों में से कहीं पे आएगा, इस लाइन को भी अभी हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो फर्स्ट लाइन था वो पढ़ते हैं, ओनली फोर पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में चार लोग हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ पे बैठा बच्चे ये, और अगर मैं पी को यहाँ पे बैठाता हूँ तो चार लोग छोड़ के मैं क्यू को बैठा सकता हूँ, ओनली फोर पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, अगर पी को यहाँ पे बैठाता हूँ तो एक दो तीन चार छोड़ दिए,
पी को मेरे को यहाँ बैठाना पड़ेगा, अगर क्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मतलब पी और क्यू को बैठाना पॉसिबल नहीं है चार छोड़ के बीच में, तो ये वाला सीरीज हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। और इस वाली सीरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक को यहाँ पे बैठाता हूँ तो एक दो तीन चार, ये चार छूट जाएंगे, एक दो तीन चार, और दूसरा मेंबर यहाँ पे आ जाएगा। पी और क्यू के लिए यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ, ठीक है, पी और क्यू को मैं बिठा सकता हूँ। और एक इस इन दोनों को बिठाने से पहले पी को यहाँ बिठाना या पी को यहाँ पे बिठाना वो कैसे डिसाइड करेंगे, इन्होंने एक लाइन बोली है, पी इज़ नॉट वर्किंग एट ए पोजीशन ऑफ ऑफिसर और नॉर एज ए क्लर्क। जो पी है वो ना तो क्लर्क है ना ऑफिसर है, पी यहाँ नहीं आएगा ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो वैसे ही नहीं आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, तो पी कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टरेट की पोजीशन पे। और क्यू को बिठाना चौथे नंबर पे चार छोड़ के, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे दो पोजीशंस हमारे पास बची है। ये हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारी जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें क्या बोल रहे हैं, मोर देन टू डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मतलब कितने, तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक दो तीन बिठाता हूँ तो यहाँ पे टी आ जाएगा, और अगर मैं चार बिठाता हूँ तो टी तो पॉसिबल नहीं, ओनली तीन ही बिठाने पड़ेंगे बीच में, तो टी बेसिकली यहाँ आ जाएगा। दो से ज़्यादा है या तो तीन है या चार है, तो हमने यहाँ पे टी और यू के बीच में तीन लोग बैठा दिए, तो एक लास्ट मेंबर हमारा बचता है, कौन सा बचता है, वी बच जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, सभी मेंबर्स को उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से बिठा दिया। अभी हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग एज ए ऑफिसर, ऑफिसर कौन है, ऑफिसर इधर है, क्यू है ऑफिसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्यू आ जाता है। वो डेजिग्नेशन इज जस्ट अबव द एस डेजिग्नेशन, एस की डेजिग्नेशन के ऊपर क्या है, मैनेजर है, और वी उसका नाम है। तो इन्होंने ऑप्शंस दिया, वो मैनेजर, ऑफिसर, वी, बोथ टू एंड थ्री, बोथ वन एंड थ्री, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड थ्री, क्योंकि वन में इन्होंने मैनेजर लिखा है, थ्री में वी लिखा है, मैनेजर भी है और वी भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेजिग्नेशन बिटवीन पी एंड बी, पी और बी के बीच में कितने, पी इधर है, वी इधर है, तो दो ही एन के बीच में डेजिग्नेशन, तो इसका आंसर आ जाता है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बी, बी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो वी इधर है, देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट से। पहली है वी इज ए मैनेजर, वी इधर है मैनेजर है, बिल्कुल सही, पहली सही है। दूसरी है द पोजिशन विच इज जस्ट अबोव वी इज टी पोजिशन, वी के जो जस्ट ऊपर है वो कौन है, टी है, तो देख सकते हो वी के जस्ट ऊपर टी है, ये भी यहाँ पे सही हो जाती है इनकी स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट है टू डेजिग्नेशन बिटवीन पी एंड बी, पी और बी के बीच में दो डेजिग्नेशन है, पी इधर है, बी इधर है, बीच में दो डेजिग्नेशन है, ये भी सही हो जाती है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाता है ऑल आर करेक्ट, जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑन विच पोजीशन डज आर इज वर्किंग, आर कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रहा है, आर इधर है, कौन सी है, जनरल मैनेजर की, तो इसका आंसर आ जाता है जनरल मैनेजर। तो देख सकते हो दोस्तों आसानी से, अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से, मैंने पहले ही बोला था, अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप चलोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले, तो थोड़ा लेंथी जाएगा इसलिए मैंने पहले से लिख लिया। और इसमें ये बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने हमारे पास कि बी बड़ा है ई से और एल बड़ा है ई से या बराबर है, एक ये है, एक ये है और ये एक तीसरी है, ठीक है। इनका जो कंक्लूजन वन है, वन क्या कंक्लूजन बोल रहा है, जो ई है वो बराबर है टी के, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ई देख सकते हो इधर है, अभी इन तीनों को आपस में हमें लिंक करना है, ई बराबर है टी के बोल रहे हैं, टी इधर है, ई इधर है, ठीक है। आप देख सकते हो ई इसमें एल है और इसमें भी एल है, और इसमें ए है तो इसमें भी ए है, तो हमें ऐसे इनको लिंक करना है आपस में, ठीक है। तो चलिए ई से बड़ा है एल, ठीक है, या अच्छा बराबर का चल रहा है, तो चलिए बराबर का देख लेते हैं पहले। ई के बराबर है एल, ठीक है, एल के बराबर है ओ, ओ के बराबर है ए, और ए के बराबर है टी, तो ये बोल रहे हैं कि ई बराबर है टी के, तो हाँ ये बराबर भी है जहाँ पे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहे हैं, ये जो ई टी बड़ा है ई से, तो जैसे हमने अभी देखा ये बराबर तो है ही, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में एक ही होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों, दोनों तो नहीं हो सकता,
तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि या तो ये फॉलोअप कर रहा है कि ये बराबर है ई टी के, या फिर ये फॉलोअप कर रहा है कि ये टी है जो ई से बड़ा है। तो इसका आंसर आ जाता है इधर वन और टू फॉलोअप। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे दो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है और कंक्लूजन क्या है यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। कंक्लूजन वन है यहाँ पे, कोई जो जी है वो पी से बड़ा है। ठीक है, अभी जी है जो पी से बड़ा है, अगर हम यहाँ पे पी से स्टार्ट करते हैं, पी बराबर है यू के। ठीक है, एक ही बात होगी, यू छोटा है, अगर यू छोटा है आई से और आई बड़ा है, आई देख सकते हो इधर है, दोनों में अगर लिंक किया जाए तो आई दोनों में है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो आई से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पी को आई तक लेके आना पड़ेगा, जी को आई तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो जी है वो बड़ा है। ठीक है, जी आई से छोटा है और आई क्या है यहाँ पे, यू से छोटी है। ठीक है, आई यू से छोटी, उससे छोटा जी, तो जी बड़ा कैसे हो गया, तो जी छोटा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाती है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन सॉरी, पी है जो वो बड़ा है जे से। सेम इसमें भी हमें क्या करना होगा, देख सकते हो इन दोनों में सिर्फ आई कॉमन है, आई इधर भी, आई इधर भी है, तो पी और जे को आई के जरिए लिंक करना होगा, जे इधर है पी इधर है। ठीक है, पी बड़ा है, ठीक है ये देखना है, तो पी बराबर है यू के, एक ही बात होगी। ठीक है, और यू बड़ा है आई से, मतलब आई से यू बड़ा है। ठीक है, और आई बड़ी है किससे, एच से, आई एच से बड़ी है और एच बराबर है जे के, समझे। तो ये सही हो जाता है, कहने का मतलब जो पी है वो बड़ा हो जाएगा जे से। कैसे हो जाएगा, पी और जू एक ही बात है, जू बड़ा है आई से और आई बड़ी है किससे, एच से, और एच बराबर है किसके, जे के। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल था ये भी, हमने एक मिनट में सॉल्व कर दिया इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसमें कंक्लूजन है जहाँ पे कि फर्स्ट कंक्लूजन है कि जो डी है वो बड़ा है डब्ल्यू से। अगर आप यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो डी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू से आर बड़ा है, आर से टी बड़ा है या बराबर है, टी से डी छोटा है या बराबर है। अगर हम इसको बराबर मान के चलेंगे तो आर तो बड़ा हो गया, ठीक है, डब्ल्यू से आर बड़ा हो गया, हमें W से लेके D तक आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, बेसिकली हमें यहाँ से चल के यहाँ तक आना है हमें, तो R तो बड़ा हो गया W से। ठीक है, R के बराबर T को मान लेते हैं और T के बराबर D को मान लेते हैं, तो फाइनली D तो बड़ा ही होगा W से, या तो क्योंकि यहाँ पे भी अगर बराबर का रहता तो हम ये बोल सकते थे कि भाई ये बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये बड़े का सिंबल दे दिया, ओनली यहाँ पे बराबर का नहीं दिया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, एम छोटा है किससे, आर से, या आर बड़ा है, एम इधर है आर इधर है। ठीक है, एम से हमें आर की तरफ जाना है। ठीक है, एम से बड़ा है डी, ये बोले एम से बड़ा है आर, एम से बड़ा है डी, डी से बड़ा है टी। ठीक है, ये बड़ा कंफर्म बता दिया इन्होंने, यहाँ पे बता दिया बड़ा है या बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया छोटा है या बराबर है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर मान के चले और यहाँ पे तो बड़ा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो जाता है कि जो R है वो M से क्या है, बड़ा है। तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे ये फॉलो कर रही है स्टेटमेंट्स को, तो देख सकते हो ये भी सिंपल था, आसानी से हमने कर दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सिटिंग का है, ए सर्टन नंबर ऑफ पीपल्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। कुछ लोग हैं रो में बैठे हैं, तो चलिए एक रो बना लेते हैं, ये हमने रो बना लिया। ठीक है, कुछ लोग के वो फेस है उनका नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक्स इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ये अगर एंड है तो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ पे कौन बैठा है, एक्स बैठा है। फाइव पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड पी, एक्स और पी के बीच में पांच लोग हैं, एक्स इधर है तो एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे पांच लोग हैं, एक दो तीन चार पांच, एक्स और पी के बीच में कितने हैं, पांच लोग हैं।
सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी, सी है वो पी के इमीडिएट राइट हो गया क्योंकि फेस उधर को है, तो इमीडिएट राइट सी इधर हो गया। ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जो ई है सी के थर्ड में राइट में बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ई है ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सेवन पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सेवन लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, तो इतने लोग इसके लेफ्ट में हैं, ठीक है। सेवन ये हो गया हमारा। ए इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड बट नॉट सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट नहीं है, तो मतलब इसी एंड पे बैठा हुआ जो ए है वो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड में बैठा, लेकिन एंड अभी कहाँ हमें नहीं पता, इसलिए हम ए को अभी नहीं बिठा रहे। जैसे हमें एंड का पता चल जाएगा हम ए को बिठा देंगे, क्योंकि राइट में नहीं, एक्स के राइट में नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं है, एक्स के राइट में तो एक ही है, लेकिन इधर और कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, तो हम ए को अभी होल्ड रख लेते हैं। लेकिन हमें यह पता चल गया कि ए है वो लास्ट में बैठा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, बट टी इज सिटिंग एट टू द राइट ऑफ ए, जो टी है वो ए के, टी सिटिंग एट आठवीं पोजीशन पे बैठा है ऑफ ए एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्स, टी सिटिंग एट टू द राइट ऑफ ए इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स इधर है, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है टी, और ए के कौन सी पोजीशन पे, आठवीं पोजीशन पे, तो यहाँ से आठवीं पोजीशन काउंट कर लेते हैं, वहाँ पे कौन होगा ए होगा, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, तो एट्थ में यहाँ पे ए आ गया, और ए बोला था इन्होंने एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो हमारा ये यहाँ से और आगे इधर मेंबर नहीं है, और इस साइड और मेंबर नहीं है, बस इतने ही मेंबर हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जो वाई है सेकंड टू द राइट ऑफ टी बैठा है, तो वाई कहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों, वाई यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि टी इधर है, सेकंड टू द राइट ऑफ राइट ऑफ टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फोर पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड आर, वाई और आर के बीच में चार लोग हैं, वाई इधर है, तो एक दो तीन चार, तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन पूरा हो गया, जितने मेंबर थे हमने बिठा दिए, कुल तीन खाली भी है यहाँ पे सीटें, तो चलिए इनके जो फर्दर क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, लेफ्ट के रो में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द रो, रो में कितनी सीट है टोटल, तो काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो टोटल ग्यारह सीट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड टी, सी और टी के बीच में कितने, सी इधर है, एक दो तीन, तीन लोग हैं इनके बीच में, तो तीन आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट है, वो इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट आर के लेफ्ट में कौन है, सी है, तो इसका आंसर सी आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई फ्रॉम राइट एंड ऑफ द लाइन, ए की पोजीशन क्या है राइट एंड से, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, तो ए की कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसके इतने क्वेश्चन थे, इसके इस में जो सब क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देख सकते हो बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड पेगनेट, तो चलिए पहले ये वर्ड लिख लेते हैं, पी ए जी आई एन ए टी ई, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर बिटवीन दैम इन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज दे हैव बिटवीन दैम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से ए बी सी डी है, तो अगर ए और डी के बीच में देखा जाए इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं, दो होते हैं, और अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर ए यहाँ पर मिल जाए और डी यहाँ पर मिल जाए तो वो हमारा एक काउंट हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के कितने वर्ड्स हैं हमें यहाँ पर ये काउंट करने हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम इन्होंने बोला दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अगर हम यहाँ पे जी का देखेंगे तो जी को हमें इधर से भी देखना और पीछे से भी देखना, ठीक है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई मैच नहीं किया। ए के बाद होता है, अगर पीछे को देखें तो बी ए बी, तो इधर तो पी है, और इधर देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो नहीं है। जी के बाद देखें तो जी एच आई जे के एल
पीछे को भी नहीं आगे को भी नहीं है। आई के बाद देखें तो आई जे के एल एम और जे के एल दो आई के बाद भी नहीं आगे पीछे। एन का देखें तो एम एन, एन के बाद देखें तो एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर तो एन का भी नहीं है। अगर ए का देखें तो हम आगे पीछे, ए के बाद आता है बी सी इधर भी नहीं है, बी सी डी ई एफ इधर भी नहीं है। अगर हम टी का देखें तो टी के आगे तो नहीं है, टी के इधर पीछे देखो तो टी क्यू आर एस टी यू वी तो नहीं है। अगर ई का देखो तो ई के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देख सकते हो यहाँ पे आई मैच कर गया इसके साथ। ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एक पेयर यहाँ पे ये बन गया है ये वाला। अगर हम ई से इस साइड आते हैं तो ये पेयर है जो बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या आ जाता है कि ऐसा एक ही पेयर बनता है जिसमें हम ये बैठ सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा सीरीज का। देयर आर सेवन पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दे आर गोइंग मार्केट टू परचेज सम आइटम्स, ओनली थ्री, तो सात लोग हैं परचेज करने जा रहे हैं आइटम्स, तो ओनली थ्री पर्सन्स रीच बिफोर डी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ, जो सबसे लास्ट है वो सबसे ऊपर गया है, जो सबसे पहले हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या, ओनली थ्री पर्सन रीच बिफोर डी, डी से पहले तीन ही लोग हैं, तो डी को हम यहाँ पे बिठा दें, यहाँ पे बिठा देते हैं। डी से पहले एक दो तीन, तीन लोग डी से पहले जा चुके हैं। ठीक है, ई रीच बिफोर एफ एंड जी, जो ई है वो एफ और जी, मतलब एफ और जी इसके ऊपर हैं, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे नहीं, बट एफ इज़ नॉट द लास्ट पर्सन। तो लास्ट हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, पहले वाले नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो जो एफ है वो लास्ट नहीं है, ये एफ है, सॉरी ई बन गया इसका, ये एफ है, ये लास्ट नहीं वाला, एफ के ऊपर कोई ना कोई है, तो हमने ऊपर एक ना एक बिठा दिया इसके। ठीक है, जी रीच बिफोर एफ, जो जी है वो एफ से पहले गया, तो ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि एफ के ऊपर एक है और जी एफ से पहले, तो जी इधर आ जाएगा और ई इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल ही हो गया, लगभग हमारा ये बन गया, अभी ये है और ये एक दो सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट है जी रीच बिफोर एफ, ये तो हो गया, ए रीच बिफोर सी बट आफ्टर डी, जो ए है वो सी से पहले है, ए क्या है दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, ए रीच बिफोर सी, सी से पहले, सी मतलब इसके बाद में, बट आफ्टर डी, डी के ये बाद में, डी देख सकते हो इधर है। तो अगर ये मेंबर से देखा जाए, और लास्ट लाइन और पढ़ लेते हैं कि सी इज द, सी इज़ नॉट द लास्ट पर्सन, सी लास्ट पर्सन नहीं है, सी के ऊपर भी एक आधा बंदा है। तो अगर देखा जाए इस वाले में, यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन चार मेंबर्स तो ये हो गए, और डी के ऊपर कितने, एक दो तीन, एक दो तीन, हम अगर ये तीनों बैठा दें डी के ऊपर तो कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही तो बंदे, तो चलिए बैठा देते हैं। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे एक डैश है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मेंबर कंप्लीट हो गए, हो गए। तो इसको हम चलिए थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी के नीचे तीन है, ऊपर एक है ये, लेकिन इन तीनों की पोजीशंस कंफर्म हो गई है। और अभी देख सकते हो ये एफ जी ई, इनका हमें यहाँ पे पता है कि ये एफ है ऊपर है, उसके उसके पहले जी है, उसके पहले ई है, और एफ लास्ट नहीं है, तो ये तीन है, तीन यहाँ पे ब्लैंक्स है, लास्ट नहीं है, लास्ट वाला ये खाली छोड़ना पड़ेगा, तो ये तीन इधर है, तीन इधर कंप्लीट हो जाएगा ये आराम से, इसमें तो कोई सोचना नहीं है, क्योंकि तीन मेंबर्स हैं सीरीज में हमारे पास, तीन ही ब्लैंक्स है यहाँ पे, और लास्ट वाला एफ लास्ट नहीं है, तो एफ तो इधर आएगा यहाँ पर, तो डाल नहीं सकते आपको, और कौन एक मेम्बर बचा, एक ही मेम्बर बचा, अभी तो हमारा कम्प्लीट हो गया, सभी मेम्बर्स हमने बैठा दिए, तो जो मेंबर्स बी है वो बचता है, उसको हम यहाँ पे ऊपर बैठा देते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, हमने इनको
सीरीज वाइज बिठा दिया है। क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में कितने, एफ इधर है सी इधर है, एक दो, तो इसका आंसर आ जाता है दो। वो रीच मार्केट इमिडिएटली आफ्टर, ए के बाद कौन गया, सी गया है ना, हमने बाद वाले इधर लिखे हैं, पहले वाले नीचे लिखे हैं ना, तो सी गया ए के बाद, तो सी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन रीच मार्केट बिफोर एफ, के पहले कितने लोग पहुँचे हैं मार्केट, तो कितने पहुँचे हैं, एफ इधर है, इससे पहले कितने, दो लोग पहुँचे हैं, तो इसका आंसर दो आ जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे रीजनिंग का जो 2022 में कलर्स का जो एग्ज़ाम था IBS कलर का, वो हमने यहाँ पे रीजनिंग कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नहीं समझ आए तो आप मुझे किसी भी क्वेश्चन का जो भी समझ नहीं आया मुझे कमेंट करके भेज सकते हो, मैं उसके ऊपर स्पेशल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा चैनल पर। और वीडियो कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए, तो अगर आपको उसमें मज़ा ना आए समझ ना आए तो फिर वो यूज़लेस है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।